हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं वो जो 2019 बैच में है या फिर 2018 बैच में है या फिर आप कह सकते हो जो DLED की प्रथम वरीयता से रिलेटेड प्लस नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, आज की इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यही वर्क करना है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स मित्र हैं ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो प्रशिक्षु है बहुत ज़्यादा परेशान है। और आप देख रहे हो कि जैसे कि फ्रेंड्स हमने आप सभी को कम्युनिटी में ये इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि DLED प्रशांत प्रशिक्षु ने किया आत्महत्या, जो कि कहने से ही बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है। ठीक है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो भी उनकी थोड़ी परेशानी है, जो डिप्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं देखिए यहाँ बात करने वाली हूँ DLED से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लस प्रमोट से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि SCERT के जो उपनिदेशक हैं उनसे आज वार्ता किया गया, और उस वार्ता के दौरान उन्होंने जो देखिए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ सीधे सीधे तो नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने भी यही बोला कि हमारे ऊपर भी अधिकारी है तो हम आपको खुले तौर पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो, क्योंकि UP DLED से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं क्या हुआ वार्ता। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने जो वार्ता किया, ठीक है फ्रेंड्स, SCERT उपनिदेशक से आज वार्ता हुई, जो कि तीन मुद्दा था। प्रथम मुद्दा था कि UP DLED 2018 बैच और 2019 बैच, क्योंकि आप सभी को पता है जो 2018 बैच में जो भी प्रशिक्षु हैं थर्ड सेमेस्टर के और 2019 बैच के जो प्रशिक्षु हैं फोर्थ सेमेस्टर के, उनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स आप सभी को जैसे कि पता है 2018 बैच का जो सत्र है वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है, जुलाई मंथ में ही, और 2019 बैच का पूरा एक साल ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर तो क्या अब कह सकते हो सेकंड सेमेस्टर तो क्या फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और अब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट भी हो गया है। ठीक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रथम मुद्दा जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जो द्वितीय मुद्दा था DLED की प्रथम वरीयता से रिलेटेड, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगली जो सुनवाई डेट है वो 29 सितंबर को मिला है। ठीक है, और देखिए तृतीय मुद्दा जो था कि नई शिक्षक भर्ती कब आ सकती है, ये तीन मुद्दों से यानी ये जो तीन मुद्दा है इन्हीं टॉपिक पे उनसे वार्तालाप किया गया और उन्होंने इस पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रथम मुद्दा कि 2018 और 2019 बैच को प्रमोट कब किया जाएगा, ये सवाल पूछा गया, या इसके संबंध में नोटिस कब तक जारी हो सकती है। कृपया करके जल्द से जल्द 2018 और 2019 बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि जो 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका जो सत्र है वो पूर्ण हो चुका है, और जो 2019 बैच के हैं उनका भी एक साल पूरा ख़त्म हो चुका है और उनका भी अब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ हो चुका है। तो आखिरकार इस पर निर्णय क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर कोई अपनी राय दीजिए। तो जो SCERT के, क्योंकि आप सभी को पता है जो SCERT है, जब PNP के पास जो कुछ भी मांग रखा गया था तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि जो संदेश है, मैसेज है, हमने SCERT को भेज दिया है, शासन तक भेज दिया है। ठीक है, क्योंकि PNP की आप रवैया के बारे में जानते ही हैं, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, बट आज SCERT से वार्ता हुआ, उन्होंने देखिए इस पर जो अपना इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है कि जैसे कि देखिए सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम बताएं कि जो SCERT के निदेशक हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि
हम खुले, जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्योंकि उनके ऊपर भी अधिकारी है, अगर वो खुले तौर पर इसी तरीके से कह देंगे कि UPDLET जो 2019 बैच के हैं या 2018 बैच के हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, तो फिर उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी किया जाता है तो नोटिस के थ्रू ही बताया जाता है। तो उन्होंने यही बोला कि हम खुले तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया कि आप सभी का जो 2018 बैच और जो 2019 बैच है, जी हाँ फ्रेंड्स, जो 2018 बैच है और 2019 बैच से रिलेटेड 10 से 15 दिन में नोटिस जारी की जाएगी। और देखिए, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग कहूँ तो 10 कम ही दिन में जल्द से जल्द इस पर नोटिस जारी किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे प्रशिक्षु अब आवाज़ भी उठा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने, यह एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी कहोगे कि BNP है या फिर डेली इन्फॉर्मेशन आता है कि इस पर समिति बैठाई जाती है, बट कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो वार्ता हुआ है हम वही इन्फॉर्मेशन आप सभी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने, जो SCERT के निदेशक है, उन्होंने बोला कि जितने भी, यानी जो भी प्रशिक्षु हैं उनको आप ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा कि 2018 बैच और 2019 बैच से रिलेटेड जल्द ही इन्फॉर्मेशन 10 से 15 दिन में नोटिस जारी किया जाएगा। फिर सवाल ये था कि सर आप ये बताओ कि क्या DLED एग्ज़ाम प्रमोट नहीं होगा, क्या हमारा सत्र पूर्ण हो चुका है, और अगर हम एग्ज़ाम के लिए अगर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, तो फिर हम नए शिक्षक भर्ती आएगी तो हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो उन्होंने इस पे निर्णय जो दिया, देखिए, जैसे कि उन्होंने जो बोला कि जैसे कि लगातार आप सभी की मांग उठती रही है कि DLED प्रथम सेमेस्टर को और थर्ड सेमेस्टर को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो उनका सत्र है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो इसके संबंध में जो शासन है इसी के पक्ष में कार्य कर रहा है। तो ये सबसे अच्छी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने साफ साफ बोला कि जो आपका मांग लगातार उठ रहा है कि 2019 बैच और 2018 बैच फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रमोट कराकर और जल्द से जल्द सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाया जाए। उन्होंने ये भी बोला, क्योंकि SCERT जो है वो क्या कर रही है, ऑनलाइन कक्षा है, जब से जो आपका पेपर स्थगित हुआ तब से सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो क्लासेज है वो आप सभी को प्रोवाइड कर रही है। तो उन्होंने ये बोला कि इसी पक्ष में कार्य किया जा रहा है और आप लोग परेशान न होइए, 10 से 15 दिन में आप कह सकते हो कि प्रमोट का जो मुद्दा है बहुत ही, मतलब, काम कर रहा है और 100 में से 90% कन्फर्म है कि आप सभी का एग्ज़ाम प्रमोट होगा, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से बोला है, अब देखते हैं कि उस पर निर्णय 10 से 15 दिन में आता है या नहीं, क्योंकि विश्वास जो है ना वो हट गया है, उठ गया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, कभी बोलते हैं आश्वासन, कभी बोलते हैं समिति, मतलब इस तरीके से आश्वासन देने से काम थोड़ी ना चलेगा। इस पर कोई निर्णय आए तभी तो जो प्रशिक्षु हैं वो सोचे कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और लगातार डिप्रेशन में ही जा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ये शेयर किया, ठीक है। तो और आप सभी को उन्होंने ये भी बोला कि इस पर काम चल रहा है, तो कृपया करके आप सभी जो अपना प्रिपरेशन है, ठीक है, वो करते रहिए, क्योंकि जो शासन है और जो PNP है उसका रवैया प्लस SCERT का जो रवैया है, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों अलग अलग, PNP के पास जाओ तो बोलती है SCERT, और SCERT से जब आज वार्तालाप किया गया तो उन्होंने यही इन्फॉर्मेशन दिया कि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है और 10 से 15 दिन में इसके संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं DLED प्रथम वरीयता के संबंध में उन्होंने क्या जवाब दिया। तो फ्रेंड देखिए, उन्होंने बोला जैसे कि इसके संबंध में जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी सवाल किया गया, तो जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती पूरा कंप्लीट होता है तो इसके संबंध में नई शिक्षक भर्ती हो गया है, और DLED की उनको ये उदाहरण दिया गया कि बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, DLED को प्रथम वरीयता दिया जा रहा है तो UP में क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो DLED है वो 1 से 5 तक के क्लास के बच्चों के लिए ही होता है, और जो BED होता है उनको तो जूनियर लेवल में भी पढ़ाना होता है, तो जब उनको ही मौका प्राथमिक में मौका दे दिया जाएगा तो फिर DLED प्रशिक्षु करे तो क्या करे। तो इसके संबंध में उन्होंने पॉजिटिव ही, मतलब, आंसर दिया, उन्होंने मतलब कि कहा कि इस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना था और ये बिल्कुल सटीक जानकारी है, ठीक। तो फ्रेंड्स,
अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अब हम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी छोड़ दें, तो ऐसा तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहती हूँ, क्योंकि पहले भी पीएनपी ने क्या बोला था कि हाँ इस पे काम चल रहा है। अब देखिए फ्रेंड, 10 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर जो है वो आप जो अपना प्रिपरेशन है वो जारी रखे रहिए, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।